पुलिस थाना चौराई में पूर्व सचिव एवं आजाद पंचायत सचिव कर्मचारी संघ प्रदेश संयोजक राकेश चंदेल एवं अन्य भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पुलिस थाना चौराई में धारा 420, 465, 467, 468, 469, 471, 120B के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। ग्राम पंचायत बोना खेरी में पूर्व पंचायत सचिव राकेश चंदेल, सहायक सचिव व जनपद पंचायत के पदाधिकारी ने मिलकर गांव के 23 जिंदा व्यक्तियों को मृत साबित कर लाखों रुपए का किया गया घोटाला। जनपद पंचायत छिंदवाड़ा के अधिकारियों की मिलीभगत से बेखौफ बहुत बड़े स्तर पर चल रहा फर्जीवाड़ा। जी हाँ, खबर ग्राम बोना खेरी से आ रही है। हम आपको बता दें कि जनपद पंचायत छिंदवाड़ा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बोहना खेरी में एक अनोखा मामला संज्ञान में आया है। ग्राम पंचायत बोहना खेरी में 23 जीवित व्यक्तियों की फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर उनके नाम से कर्मकार मंडल संबल योजना के लाखों रुपए निकाल लिए गए, जबकि यह सभी 23 व्यक्ति जीवित हैं, जिन्हें कागजों में मृत साबित कर दिया गया है। सभी 23 जीवित व्यक्तियों के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले को लेकर सभी लोग चोरई पुलिस थाना पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। पीड़ितों की माने तो ग्राम पंचायत के सचिव, सहायक सचिव एवं अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से 2019 से जीवित व्यक्ति को मृत साबित कर उनके नाम पर लाखों की राशि निकाली जा रही थी। इस तरह से शासन की राशि का महाघोटाला किया गया। सभी शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पूरे प्रकरण में जनपद पंचायत छिंदवाड़ा के अधिकारियों की मिलीभगत से लाखों रुपए डकार गए हैं, क्योंकि एक ही ग्राम पंचायत में इतनी संख्या में लोगों की मृत्यु कैसे हो रही है और मृत्यु होने पर मिलने वाली 2 लाख की राशि कहाँ जा रही है और कैसे जा रही है। यह कैसे संभव हो सकता है कि राशि देने के पूर्व संबंधित विभाग ग्राम पंचायत स्तर में जानकारी जुटाता है, पंचनामा तैयार करता है, तत्पश्चात शासन से प्राप्त राशि पीड़ित पक्ष के परिवार वालों को मिलती है, लेकिन यह सब अधिकारियों की जानकारी में ना होना संदेह पैदा करता है, जिसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आप अपनी किस मांग को लेकर यहाँ चौरी थाना आए हैं? भाई, हमको न्याय मिलना चाहिए। किस बात का न्याय मिलना चाहिए? भाई, जो हम मर गए हैं, हम कैसे मर गए? हम जिंदा हैं यहाँ पे, क्या हम मरे वाले क्या भूत बन के घूम रहे वैसे जिंदा? आपको कैसे जानकारी लगी कि आप लोग मृत हो गए हैं करके? पेपर द्वारा। क्या जानकारी लगी आपको? कि भाई लेखराम यादव जी मर गए। ऐसे कितने लोग हैं आपके गांव में? गांव में 23 लोग अभी ओपन हुए हैं। 23 लोग को मृत घोषित किया गया है कागजों में? हाँ जी। तो उसकी कुछ राशि भी निकाली गई है क्या? राशि सहायक सचिव है ऊपर तक, माने उन लोगों ने निकाल चुके हैं। कितनी? 46 लाख हो गए। और आपको जानकारी नहीं है? नहीं जानने पाई। तो ये जो इन्होंने जो मृत्यु है आपका सबका घोषित किया है, तो ये कितने साल से है, मतलब मृत्यु घोषित हुई है? हम पैसा निकालने के लिए गए हम, जब हमको मालूम हुआ। अच्छा, इस बीच जो लोग मृत्यु हुए होंगे, हाँ, तो क्या उनको पैसा मिला, उनके परिवार वालों को? नहीं मिला ना, जो मरे हैं वो, मेरा भाई खुद मरा है। हाँ, तो मेरा भाई को पैसे अभी 2 लाख नहीं मिले, मेरे को भी मार दिए उनने। और अंत्येष्टि वगैरह जो अलग से राशि मिलती है सहायतार्थ? हाँ, वो 5 दिए थे बस, बाकी नहीं मिली। नहीं दिए वो मरने के बाद, अब 2 लाख मिलता वो उनको नहीं दिया, मेरे को मार डाले। तो अभी आप अपनी मांग को, शिकायत को लेके आप चौरी थाना आए हुए हैं? शिकायत के लिए आए हम लोग। तो आपकी एफ आई आर दर्ज हो गई है? अभी एफ आई आर दर्ज हो चुकी है, बस ज्ञान लेने के हैं, तो कार्रवाई होना चाहिए इस चीज़ में। भाई जो 23 लोग मरे जिंदा है और मर कैसे गए, ये आगे तक जाना चाहिए, और जो जिनने भी किया घोटाला उनको सजा मिलना चाहिए। चलिए, ग्राम बोना खेरी, मेरे को पंचायत वाले तरफ से ऐसा लगा मेरे को कि पेपर में आया, जब मेरे को पता लगा कि भाई लेखराम यादव जी गया, जब मालूम हुआ कि भाई लेखराम तो है ही नहीं है इस दुनिया में, तो जब मालूम हुआ मैंने तो रिपोर्ट करने के लिए यहाँ थाना चौरी आए हम लोग, तो बोले फिर ज्ञान म्यान बोल रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं सब लोग से, तो हमें भाई ये कार्रवाई आगे तक जाना चाहिए कि ऐसा। आपने किस मांग को लेकर यहाँ चौरी थाना आया? भाई हमको न्याय मिलना चाहिए। किस बात का न्याय मिलना? भाई जो हम मर गए हैं, हम कैसे मर गए, हम जिंदा हैं यहाँ पे, क्या हम मरे वाले क्या भूत बन के घूम रहे वैसे जिंदा? आपको कैसे जानकारी लगी कि आप लोग मृत हो गए हैं करके? पेपर द्वारा। क्या जानकारी लगी आपको? कि भाई लेखराम यादव जी मर गए। ऐसे कितने लोग हैं आपके गाँव में? गाँव में 23 लोग अभी ओपन हुए हैं। 23 लोग को मृत घोषित किया गया? हाँ, कागजों में। हाँ जी। तो उसकी कुछ राशि भी निकाली गई है? राशि सहायक सचिव है ऊपर तक, माने उन लोगों ने निकाल चुके हैं। कितनी?
वो है 23 लोग के हिसाब से 46 लाख हो गए और आपको जानकारी नहीं नहीं जानने पा रही। तो ये जो इन्होंने जो मृत्यु हुआ आपका सबका घोषित किया है, तो ये कितने साल से है मतलब मृत्यु घोषित हुई है? हम पैसा निकालने के लिए गए हम जब हमको मालूम हुआ। अच्छा, इस बीच जो लोग मृत्यु हुए होंगे तो क्या उनको पैसा मिला, उनके परिवार वालों को? नहीं मिला ना, जो मरे हैं वो मेरा भाई खुद मरा है। हाँ। तो मेरा भाई को पैसे अभी 2 लाख नहीं मिले, मेरे को भी मार दिए उन्होंने। और अंत्येष्टि वगैरह की जो अलग से जो राशि मिलती है सहायता? अब वो 5 दिए थे बस, बाकी नहीं दिए। वो मरने के बाद अब 2 लाख मिलता वो उनको नहीं दिया, मेरे को मार डाले। तो अभी आप अपनी मांग को शिकायत को लेकर आप कोई थाना आए हुए? शिकायत के लिए आए हम लोग। आपकी FIR दर्ज हो गई है? FIR दर्ज हो चुकी है, बस बयान लेने के हैं, कार्रवाई होना चाहिए इस चीज़ में कि भाई जो तेज लोग मरे जिंदा है और मर कैसे गए, ये आगे तक जाना चाहिए और जो जिनने भी किया घोटाला उनको सजा मिलना चाहिए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए चोरई से चंचलेश इंदौरकर की रिपोर्ट।